दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली जो नज़ारा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब आपको दिखाते हुए। और वहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आज की वीडियो जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना के दिखा दी है दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं आपको लेके आया हूँ WDFC डेडिकेट फ्रेट कैरिडोर का, एक नया जो रेलवे लाइन का जो नया काम चालू है दोस्तों, जो डबल डेकर जो ट्रेन चलेगी मालगाड़ी, उसका मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ। जो कि दिल्ली से और मुंबई के बीच चलने वाली मालगाड़ी है दोस्तों, आज मैं आपको उसी का अपडेट दूंगा। देना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ और आगे का नज़ारा आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और यहाँ आपको देखने को मिलेगा पावर प्लांट है इसका, और रेलवे के खम्भे वगैरह यहाँ पर लगाए जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और आपको आगे तक का पूरा सुंदर दृश्य देखने को मिलने वाला है। और इसी के बाजू में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी नया अपडेट, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और इस तरफ देखने को मिलेगा आपको दोस्तों सबसे बड़ा देश का प्रोजेक्ट है, जो बुलेट ट्रेन का अपडेट है। वहाँ पर ब्रिज वगैरह बनाया जा रहा है, उसका नज़ारा मैं आपको बीच में से दिखाऊंगा अभी आगे से। और ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह लेने के लिए आते हैं शाम के टाइम में। और ये देखिए दोस्तों क्या दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्रॉसिंग ब्रिज है, यहाँ पे नीचे एक रोड है उसके लिए क्रॉसिंग ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि हम लोग अभी आए थे तो ये क्रॉसिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है इसका नज़ारा दोस्तों। और ये है WDFC यानी डेडिकेट फ्रेट कैरिडोर दोस्तों। ये जो मालगाड़ियों के दो भारत में सबसे बड़े ट्रैक बनाए जा रहे हैं, एक ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कैरिडोर और एक WDFC डेडिकेट फ्रेट कैरिडोर यानी WDFC और EDFC दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए दोस्तों नज़ारा इसका क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो सिस्टर है हमारी यहाँ पे, सब लोग ये काम करते हैं, आप इसी में काम करते हो ना, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। और ये बिजली की वायर वगैरह सेट की जा रही हैं। और ये दो लाइन जैसे कि आने जाने की दो लाइन है, एक ही लाइन है और एक ही लाइन है, तो मैं इसके ऊपर चढ़ के चलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको फाइनली लेके आया हूँ नर्मदा नदी पे, जो WDFC का जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगा दोस्तों। अभी हम लोग इस तरफ से वीडियो बनाते हुए लाए तो सामने आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेस वे का काम है, और इधर चल रहा है बुलेट ट्रेन का काम दोस्तों, उसका भी वीडियो बना के हम आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो मैं आपको बैक कैमरे से और नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, जो एक्सप्रेस वे का ब्रिज है कितना सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है। और पहले हम लोग आए थे ना तो वहाँ का रास्ता था, तो हम आगे तक आपको वीडियो बनाते हुए दिखाते लेते गए थे, और फिलहाल तो रास्ता बंद कर दिया गया था, इसके लिए हम यहाँ से वीडियो आपको नहीं बना पाए हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों जो कितना सुंदर यहाँ से एक्सप्रेस वे का आपको अपडेट देखने को मिल रहा है। और ये है WDFC, हमारे भारत की सबसे बड़े बड़े तीन प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। सामने एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये चल रहा है बुलेट ट्रेन का काम, यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए। बता दूँ यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में कोई भी यहाँ से क्रॉसिंग ब्रिज नहीं है, तो सब लोग अभी डेडिकेट का जो ब्रिज है इसी पे होके क्रॉसिंग करते हैं, जितने भी दर्शक यहाँ से जो पर्यटक हैं, यहाँ पर जो निकलने वाले लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर आसपास में कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं है जो नर्मदा नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाया जा सके। तो ये WDFC का जो ब्रिज है इसी पर होकर सारे लोग निकलते हैं और उस तरफ जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। और देख सकते हैं दोस्तों कैसा नज़ारा, मैं अभी आपको बीचों बीच में से दिखाऊंगा जो इसका नज़ारा है दोस्तों। अभी मैं गाड़ी पर बैठ जाता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली जो नज़ारा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब आपको दिखाते हुए। और वहाँ पर बुलेट ट्रेन के पिलर वगैरह बनने तैयार बन के भी कंप्लीट हो चुके हैं और वहाँ पर अंदर तो भाई फाइनली मैं आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका हूँ और बीचों बीच में नर्मदा नदी के हूँ मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है उसका भी आपको मैं जूम करके दिखा दूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों वहाँ पे भी कितना सारा काम, अंदर का काम पूरा, जमीन का अंदर का काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर काम यहाँ पे, और व्यू देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी मैं चलूँगा NH-48 है वहाँ तक आपको नज़ारा दिखाऊंगा WDFC का, वहाँ पर हमारा ब्लॉग एंड हो जाएगा और बढ़ते हैं आगे तरफ। वीडियो को पूरा देखते रहना दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको नज़ारा दिखाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आगे तरफ बढ़ रहे हैं आगे के लिए हम, और ये देखते चलिए दोस्तों कितना सुपर ये व्यू है। और लगभग दोस्तों 2027 में बन के ये भी शायद बुलेट ट्रेन के साथ साथ ये बन के कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों। फाइनली हम आ चुके हैं ब्रिज क्रॉसिंग करके पूरा, आप देख सकते हैं पीछे से। और यहाँ का काम आपको देखने को मिलेगा आगे तक का, NH-48 का मैंने आपको बताया था, वो नज़ारा आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा पूरा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहना, आपको अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है इस वीडियो में दोस्तों, और आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा जो मैंने आपको अपडेट दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने। ऊंचाई इनकी इतनी ज़्यादा ली गई है कि आगे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हादसा नहीं हो सकता दोस्तों। मैं आपको बता दूं इनकी इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। और ये फिलहाल यहाँ पे पत्थर वगैरह लाए जा चुके हैं और इनको सेट किया जा रहा है JCB मशीनों द्वारा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ये ऊपर का काम कंप्लीट हो गया, खाली ट्रैक बिछाना बाकी है इस पर दोस्तों। मैं आपको बता दूँ अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रैक का काम बाकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऊँचाई कितनी ज़्यादा है इसकी, नीचे आप खेत देख सकते हैं और ये ब्रिज है, ये पूरा काम देख सकते हैं आप दोस्तों। और JCB मशीनें काम कर रही हैं यहाँ पर, पत्थरों को बराबर सेट किया जा रहा है, मतलब बराबर व्यवस्थित जमाया जा रहा है, क्योंकि एक एक तरफ का काम पूरा होगा उसके बाद ही आगे पटरियाँ बिछाई जाएंगी। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसको बराबर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे सारे सामान के रखे हुए हैं मशीनों के, जो जो WDFC का काम चलेगा ना उसका सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे पूरे के पूरे कारखाने जैसे बनाए हैं, मतलब गोडाउन जैसा बना रखा है, जो वेस्टेज मटेरियल इनका यहाँ पे रखा हुआ है सब सरिये वगैरह। और आगे ये सामने 48 है जो बड़ा वाला हाईवे है, और सामने देख सकते हैं आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। यहाँ पर सारा मटेरियल का रखा हुआ है देख सकते हैं, और व्यू देखिए कितना सुंदर, यहाँ से पूरा हरियाली हरियाली है। और अब चारों तरफ झाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी कितनी बड़ी हैं, उन सबको काट कर ये जगह बनाई गई है, वहाँ पर ये ट्रैक बिछाया जा रहा है दोस्तों। Thank you.
पत्थर लाए जा रहे हैं ट्रकों द्वारा। यहाँ पर देखे तो जितने बड़े बड़े कंटेनर ट्रक होते हैं ना, उनके द्वारा लाए जा रहे हैं और यहाँ पर रखे जा रहे हैं अभी इनको। ये देख लीजिए दोस्तों, और ये है NH-48 के पास हम लोग अभी आ चुके हैं, जो सीधे भरूच से निकल आता है, और उसी का मैं आपको व्यू दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो NH-48 को क्रॉसिंग करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है उसका ये नज़ारा है, और ये सीधा जा रहा है दिल्ली के लिए। और साथ बाजू में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसका अपडेट भी मैं आपको यहाँ का दे चुका हूँ, जो इंटरचेंज यहाँ पर बन रहा है दोस्तों NH-48 को क्रॉसिंग करता हुआ। और अभी हम लोग आगे आए हैं तो आगे गाड़ी उतारने के लिए कोई जगह है नहीं, यहाँ से हमारी गाड़ी को नीचे ले जाना मुश्किल, हमें वापस जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ, और WDFC का मैं आपको ऊपर से अपडेट दे रहा था, और ये NH-48 है जो कि सीधा मुंबई से और ये दिल्ली चेन्नई तक ये कनेक्ट होता है, मैं आपको बता दूँ। और उसके नीचे दोस्तों ये जो रोड है, मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली से लेके मुंबई और चेन्नई तक जाने जाता है दोस्तों इसको। और ये ऊपर ये WDFC का ब्रिज जो क्रॉसिंग कर रहा है NH-48 को, और इसके पास में ही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और यहाँ से भरूच लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ। और ये काम चल रहा है जोरों शोरों में, ये क्रॉसिंग के लिए बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, और इसके नीचे दोस्तों चद्दर बिछाई हुई ताकि कोई पत्थर वगैरह नीचे ना गिरे इसके लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को दिखाते हुए। तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में के माध्यम से मैंने आपको दिखाया WDFC का डेडिकेट फ्रेट कैडिडोर का नया अपडेट दिखाया, लेटेस्ट अपडेट दिखाया दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।